सबके सामने एक ड्रामा पेश करने वाले हैं। यह ड्रामा हमारे समाज में फैले बुराइयों के ऊपर है, जो दिखने में हमें बहुत छोटे मालूम होते हैं, लेकिन इसके असरात हमारे समाज को बुराई की तरफ ले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अना की। अना, आप लोग मिनी समझे? अरे, जिसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे गुरु, घमंड, तकब्बुर। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने समाज में फैले इस बुराई से, जो खुद अपनी जुबानी तारीफ बयान करेगी। इस ड्रामे के किरदार हैं सना, अना, मरियम और कुछ दोस्त। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है मैं कौन हूँ? अरे जिधर देखो सब मैं ही मैं हूँ। आज मेरी ही फैशन है, जिधर देखो मेरा ही नाम है। बोलो बोलो कौन हूँ मैं? मैं हूँ अना। मेरा और भी बहुत से नाम है, घमंड, गुरूर, तकब्बुर। जब कोई मुझे दिल से याद करता है तो मैं उसके साथ हो लेती हूँ और उसे अपना दोस्त बना लेती हूँ। आज भी मुझे एक दोस्त की तलाश है। तो दोस्तों, ये थी अना। आज अना को एक दोस्त की तलाश है और अना इधर उधर देखती रहती है और सना अपने फोन में सेल्फी लेकर अपनी खूबसूरती पर नाज करते हुए कहती है, हाय, कितने खूबसूरत हूँ ना मैं? ए मेरी नौ, मेरी मरियाज, हाय, किसी की नजर ना लगे। अरे ये तो मेरी दोस्त बनने लायक है। अरे मेरी दोस्त, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे कोई नहीं, यू आर द बेस्ट। यस, मुझसे कोई नहीं, आई एम द बेस्ट। ऐसा कहकर अब अगले दिन सना कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और मुझे सबसे पहले सीखना है। अब सना कॉलेज के लिए निकल जाती है। हेलो, कितना लोड है इसका नहीं हो तुम लोगों ने? भले ही ये तुम्हारे औकात से ज्यादा हो, पर मेरे औकात से तो बहुत लोग वैरायटी है। हटो यहाँ से, लोग मेरे इमेज के बारे में क्या समझेंगे? कहाँ तुम और कहाँ मैं, चलो हटो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हो? वालेकुम सलाम। अरे आप वही मरियम हो ना जो 98% पास की हो? क्या आपको जरा भी भूल नहीं? घमंड और मुझे जो अच्छे मार्क्स मिले हैं ना, ये आप लोगों की दुआ से और ऊपर वाले की मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुना। इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? अच्छा फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। हाँ देखा, इसके दिल में पता नहीं क्या है, इसको तो जरा भी घमंड नहीं। अरे पता नहीं सना अपने आप को क्या समझते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, बहुत लेट हो गए। हाँ हाँ चलो चलते। अरे इस मरियम ने तो मेरे सारे फ्रेंड्स को भी मुझसे छीन लिया, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। अना है ना तेरे पछाई? अरे मेरी दोस्त, मैं हूँ ना तो तेरे साथ, तुम्हारी फ्रेंड, मेरे होते हुए तुम्हारी क्या जरूरत है? और तुम तो बेस्ट हो। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो बेस्ट हूँ ही। चलो चलते हैं। तो देखा दोस्तों, अना ने सना को किस तरह अपने जान में फंसा लिया। इसीलिए कहते हैं, हुस्न सीरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होता है आखिर, इससे खुश होता है दिल। और आपने मरियम को भी देखा,
कि कैसे मरियम ने आना की मदद की, जबकि मरियम के दिल में उसके लिए कोई भी गलत फहमी नहीं है। अरे दोस्तों, मैं पूछती हूँ, अनसना को इतना घमंड क्यों है, जबकि मिट्टी से बनकर मिट्टी में आए हैं और वापस मिट्टी में ही जाना है। खैर, अब तक सना की एक्सीडेंट हो चुकी होती है, तो देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अब भी सना अपने घमंड में रहती है या फिर उसके घमंड टूट गई। तो चलिए देखते हैं। मम्मा, जल्दी आओ, तुम्हारे फ्रेंड को चोट लग गई है ना, जल्दी आओ ना, कहो मेरे दोस्त। मैं यहाँ हूँ सना, और अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, इस टूटे हुए पैर से क्या साथ घमंड करोगी। नगे मौजे मस्ती में अभी बादशाह है हम, नगे मौजे मस्ती में अभी बादशाह है हम, जो हमको तोड़ देता है उसे हम छोड़ देते हैं, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं। नहीं आना तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आना रुको तो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे फ्रेंड मुझसे दूर हो गए, मेरे अपने मुझसे रुक गए, अब मेरी मदद कौन करेगा, आना मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हारे अंदर जो खराबी थी एक बुराई की तरह वो तुम्हारे दिल से निकल चुकी है। एक घमंड, गुरूर, तकबुर जो हमारे जिस्म को ही नहीं पूरे रूह को बिगाड़ देती है। तो बहनों, हम बीमारी से जितना दूर रहेंगे उतने ही अच्छे लोग हमारे पास रहेंगे। जज़ाकअल्लाह। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर भी मरियम की सादगी सूरत को देखकर आपका भी दिल खुश हुआ ना। इसलिए कहा गया है कि जीतने वाले भी गोल्ड सर झुका के लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जीतने वाले भी गोल्ड सर झुका के लेते हैं। खुदी को ले गए कुछ आदमी इतनी बुलंदी पर, खुदी को ले गए कुछ आदमी इतनी बुलंदी पर, तकब्बुर में लगे कहने मकाने किब्रियां कहाँ है। तो दोस्तों, सना का जैसा हाल हुआ ये देखकर अब हमें अना जैसी बीमारी को छोड़ना होगा और अल्लाह से दुआ करें कि अना जैसी बीमारी से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन आपने सना का भी हाल देखा, इसीलिए कहते हैं बुरे का हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ऐसी बीमारी को छोड़िए, नहीं तो आपने सना का हाल तो देखा ही है। शुक्रिया।